डोकलाम सीमा विवाद का समाधान होने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा करेंगे। जी हां, खबरों की माने तो डोकलाम विवाद को लेकर ही भारत ये तय नहीं कर पा रहा था कि सितंबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे या नहीं, लेकिन अब डोकलाम विवाद थमने के बाद मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि ये नौवां ब्रिक्स सम्मेलन है जो कि 3 से 5 सितंबर तक चीन के शियामेन में होने वाला है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि चीन में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन ही डोकलाम विवाद के हल की असली वजह बना है, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में डोकलाम विवाद के कारण तनावपूर्ण माहौल बने। भले ही रूस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों से भारत के रिश्ते बेहद मधुर हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि वैसे भी बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे में चीन अपनी मेजबानी में हो रहे सम्मेलन में अपनी छवि को और नहीं बिगाड़ना चाहता था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।